नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं आरएस परी 2023। ठीक है, टास्क आधारित टेस्ट पेपर हैं ये, और ये माइनर टेस्ट पेपर एक हैं जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा आयोजित करवाया गया है, और इसके अंदर आपको पूरे 150% देखने को मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन देखिए कि इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र की आबादी में सुरक्षा की भावना बढ़ाना है। दूसरा है यहाँ पर कि यह पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा प्रवर्तित योजना है। सी ऑप्शन है यहाँ पर, यह राजस्थान के चार जिलों के बारह खंडों में क्रियान्वित है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य कूट की पहचान कीजिए कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चार हैं, बी और सी। ठीक है, बी और जो सी कथन है, ये दोनों ही कथन इसके अंदर क्या है, असत्य कथन है। इसके अंदर पहला जो कथन है कि इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र की आबादी में सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है, तो इसके अंदर दो कथन ये क्या हो गए, असत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, इसका उत्तर बी और सी, ऑप्शन नंबर चार। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर दो, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 अतिरिक्त दिनों के रोजगार का प्रावधान किस और किन के लिए किया गया। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला ए वाला देखिए कि 12 जिले में निवासरत शहरिया एवं खेरवा जनजाति के परिवार को। बी है यहाँ पर कि उदयपुर जिले में निवासरत कथोड़ी जनजाति के परिवारों को। सी ऑप्शन है यहाँ पर, सी है कि राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को, और डी है राज्य की महिला श्रमिकों को। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 अतिरिक्त दिनों के रोजगार का प्रावधान किस और किन के लिए किया गया। अब यहाँ पर आपको कोड दिए हुए हैं, ठीक है, देखिए आप कोड देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा इसमें होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी। ठीक है, ए है कि 12 जिले में निवासरत सहरिया और खेरवा जनजाति के परिवारों को, उदयपुर जिले में निवासरत जो कथोड़ी जनजाति है उसके परिवारों को, और राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, वर्ष 2022 का बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, दिलोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार, यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर देखिए गाता सप्तशती हाल सही है, बृहत गाथा गुणाडे की है, का तंत्र सर्व वर्मन का है, तो इसके अंदर क्लब ध्रुम है, तो ये इसके अंदर क्या है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर चार। तो इसका ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, सूची एक और सूची दो के साथ में सम्मिलित करना है पुस्तक और रचयिता। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर पहला है कि विक्रमादेव चरित, तो विक्रमादेव चरित इसमें क्या हो जाएगा, ये किसकी है, बिलहण की है। ठीक है, इसमें एक हो जाएगा। मिताक्षरा ये किसकी है, विज्ञानेश्वर की है, ये भी सही है। मानसोल्लास ये सोमेश्वर तृतीय की है, और प्रबंध चितामणि ये मेरुतुंग, तो इसमें सभी सम्मिलित है। ठीक है, पांच के अंदर ऑप्शन नंबर जो दो हैं इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर जो दो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी सम्मिलित का सम्मिलित दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छः, निम्न में से कौन सा राज्यपाल नेशनल राइफल एसोसिएशन का मानद महासचिव रहा है। तो क्वेश्चन नंबर छः के अंदर हो जाएगा सरदार जोगिंदर सिंह। ठीक है, राज्यपाल नेशनल राइफल एसोसिएशन का मानद महासचिव कौन रहा है, सरदार जोगिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए पर, क्वेश्चन नंबर सात, ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार के कार्य विधि नियम के तहत निम्न में से कौन सा मामला आदेश जारी करने से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल को भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए पहला कि किसी दंडावेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण किया जाना अनुच्छेद 161 के तहत।
दूसरा यहाँ पर कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तीसरा है राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। इसमें क्या पूछा है, सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर आपको कथन दिए हुए, तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर इसमें देख लीजिए आप जो इसमें पहला है, ठीक है, सात के अंदर जो पहला है, किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण किया जाना, तो यह अनुच्छेद 161 के तहत, तो यही इसमें सत्य है। ठीक है, इधर देखिए ऑप्शन में जो चार हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, पर राजस्थान का वह राज्यपाल जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा है, तो कौन है वो? अंशुमान सिंह। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका, आठ के अंदर अंशुमान सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, देखिए कौन सा है जो असम्मिलित है? ऊपर माल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, सही है। शाहबाद उच्च भूमि ये बारहवें हैं, और विंध्य का गार तो ये इसमें गलत है, सी वाला। महान सीमा भ्रंश ये धौलपुर से माधोपुर का है, तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर दस देखिए, कथन दिया हुआ है ए कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और कारण आर है कि दक्षिणी राजस्थान में अरावली की ऊंचाई अधिक व सघन वनस्पतिक आवरण है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों कथन सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दो, दस के अंदर। क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए, जनवरी माह में राजस्थान के 21 जिले का वायु दाब 1018 MBA से कम रहता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, नागौर, बीकानेर, झालौर और बारा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा झालौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसमें झालौर। चलिए क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखिए, इसकी इसका आयोजन 11-12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा जयपुर में हुआ। दूसरा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, और तीसरा है कि इसका आयोजन 21 वर्षों बाद राजस्थान में किया गया, तो इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पहला कथन है ये सत्य है, ठीक है, कि इसका आयोजन 11 और 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा जयपुर में हुआ है, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए 12वां के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और इसकी जो ये पेपर है इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, ठीक है, पूरे का पूरा पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, साथ में ही उत्तर कुंजी भी मिलने वाली है वहाँ पर भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 19-23 जनवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो यहाँ पर हो जाएगा 16वां संस्करण, ठीक है, 16वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राजस्थान में लागू की गई अंधता नियंत्रण नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखिए यहाँ पर कि अंधता नियंत्रण नीति लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य राज्य में 5 लाख से अधिक दृष्टि बाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। क्या पूछा है, सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला कथन है क्या कि अंधता नियंत्रण नीति लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, तो ये इसके अंदर क्या सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि यदि ए अनुपात कोष्टक में बी प्लस सी है बराबर 1:3 तथा सी अनुपात दे रखा है कोष्टक में ए प्लस बी बराबर 5:7 हो, तो बी अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या होगा? तो इसको आप हल करके देख सकते हो, इसका जो आंसर आएगा वो 1:2 आ जाएगा, ठीक है, 1:2 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप पर 16 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1995 में स्थापित रूडा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो पहला है ग्रामीण दस्तकारों में स्वरोजगार बढ़ाना, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना,
और ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल तीसरा, इसमें नहीं है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है कि ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। बाकी ग्रामीण दस्तकारों में स्वरोजगार बढ़ाना और ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो ये दोनों इसमें सही है। लड़ाई के बारे में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु संचालित राजीविका परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2010 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, ढांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिले में क्रियान्वित नहीं है? कौन सा ढांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम? तो ये अलवर में नहीं है। ठीक है, बाकी धौलपुर, भरतपुर, बारा इसमें आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मंडपिका शब्द का सर्वाधिक प्रयोग निम्न में से किस वंश के अभिलेखों में हुआ है? किसका? मंडपिका। तो ये हो जाएगा पल्लव अभिलेखों में, ऑप्शन नंबर 2, पल्लव अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पल्लव स्थापत्य कला की राज सिंह से लिखे हैं? तो 20 के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखिए, एक तो काजी का कैलाशनाथ मंदिर है और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा है, इस विधेयक पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध लागू होते हैं? तो 21 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए इसमें जाएगा अनुच्छेद 200। ठीक है, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता है? तो 22 के अंदर जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 361(3)। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 361(3)। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद हेतु आवश्यक अर्हताएँ हैं, तो क्या हैं? देखिए 23 के अंदर हो जाएगा, एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तो पहला और दूसरा यानी कि जो कोट पहला, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में 1। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धशुष्क बांगर प्रदेश के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कौन सा प्रदेश? बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश के बारे में देखिए कि इस प्रदेश में समुद्र तल से औसत ऊंचाई नागौरी उच्च भूमि की अधिकतम है, सही बात है। दूसरा है कि इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सही है। 56 की पहाड़ी इस प्रदेश में स्थित है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 इसमें सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, कौन से क्रम में? घटते क्रम में। तो 25 के अंदर क्या जाएगा, देखिए पहले आएगा इसमें कुंभलगढ़ आएगा, फिर आएगा कमलनाथ, इसके बाद में खो, और चौथे नंबर में आएगा लीलागढ़, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग कौन सा नहीं है? तो 26 के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए चंबल बेसिन है, बनास, बाणगंगा बेसिन, मेवाड़ का मैदान, इसमें कौन सा नहीं है, पूर्वी मैदान का भाग कौन सा नहीं है? तो डांग गंगाधर क्षेत्र इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेली से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद का उपयोग करना चाहिए, तो किसका उपयोग करना चाहिए यहाँ पर? यह RH प्रतिरक्षी का, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, प्रत्येक सजीव जीवधारी की लगभग 98% संहति मात्र 6 तत्वों की बनी होती हैं, जिनमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें क्या आता है? तो इसमें आएगा फास्फोरस और सल्फर, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है किसमें? तो ये पाई जाती है मूंगफली में, कौन कौन सी प्रोटीन और वसा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में
85% जो विद्यार्थी हैं गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इसको तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 30 में, तो यहाँ पर 400 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है, इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जाए ताकि दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? तो इसको भी आप हल कर लेना, इसका 10 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो 32 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत के स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष तथा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष क्रमशः हैं। तो 33 के अंदर क्या हो जाएगा? 11.9 वर्ष व 6.7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन पूछा यहाँ पर? असत्य। तो यहाँ पर असत्य देखिए दूसरा है कि इस रिपोर्ट में भारत का HDI मूल्य 2020 के मूल्य से अधिक रहा। तो ये इसमें क्या आ सकते हैं? देखिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय 6,590 अमेरिकी डॉलर रही। ब्रिक्स देशों में HDI रैंक में भारत सबसे निचले पायदान पर रहा और भारत के HDI रैंक तथा प्रति व्यक्ति आय रैंक का अंतराल 6 है। तो इसमें जो दूसरा कथन है इसमें आ सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मंदिर और शासक दिए हुए हैं, तो 35 में आ जाएगा देखिए कौन सा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसमें, जो कोरंगनाथ मंदिर है कुलो तुंग तृतीय, तो ये इसमें गलत है। चोलेश्वर मंदिर विजयालय इसके शासक थे और वरदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम थे, ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये असत्य है। 36 नंबर क्वेश्चन है, तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, तो 36 में क्या आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोकिलार। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे के संबंध में सूची 1 और सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मदन पाल खुराना है तो ये दिल्ली, ठीक है, और MS सिन्हा जो रेड्डी है तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली में जाएगा, और वसंतराव पाटिल तो ये आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 2, 4। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस कार्यवाहक राज्यपाल ने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में जाएगा NL टिब्रेवाल, ऑप्शन नंबर 3। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि राज्यपाल का प्रधान सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, और दूसरा है गवर्नर रिलीफ फंड का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। तो ये दोनों कथन सही है, सत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पर। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य के 28वें राज्यपाल हैं, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। बाकी 1 और 2 सही है, इसमें हो जाएगा 2 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की न्यूनतम परिवर्तनशीलता उल्लेखित करने वाला जिला है कौन सा जिला है? सिरोही। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 41 में क्या हो जाएगा देखिए, CWG जयपुर, BWHW गंगानगर है, और यहाँ पर AW प्रतापगढ़, ये भी सही है, BSHW ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो 42 में जाएगा 3 नंबर, मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर, सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत राजस्थान कौन सी श्रेणी में देश में अव्वल रहा है? तो 43 में जाएगा सेवा प्रदायगी, 1 नंबर।
44 नंबर देखिए, राजभवन जयपुर में नवनिर्मित संविधान पार्क में आम जनता की भ्रमण हेतु कौन से 2 दिवस रखे गए हैं। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर, राजभवन जयपुर में नवनिर्मित संविधान पार्क में। तो 44 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? शुक्रवार और शनिवार। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में है और दीदी कैफे ये अजमेर में नहीं है। ठीक है, आशा द फिलिंग स्टेशन अलवर में है और नीलकंठ बायो डाइवर्स फॉरेस्ट ये 2 में। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? असम्मिलित ऑप्शन नंबर 2। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 18:7 है। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अंतर था 44 वर्ष था। तो आज से 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? तो इसको आप हल करना, इसका 36 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 वर्ष ऑप्शन नंबर पहला 46 के अंदर। 47 नंबर है, प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान का GSDP कितना लाख करोड़ रुपये अनुमानित है? तो 47 में जाएगा 14.14। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए असत्य कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में GSDP का भारत के GDP में प्रतिशत का योगदान 5.18%, ये सही है। 2022-23 में राजस्थान के GSVA में सबसे कम योगदान उद्योग क्षेत्र, ये भी सही है। 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राज्य के GSDP में प्रतिशत वृद्धि 19.50, ये गलत है। स्थिर कीमतों पर 2018-19 से 2022-23 तक राजस्थान के GSDP की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 5.58%, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक किस योजना के लिए सबकी योजना सबका विकास अभियान चलाया गया? तो 49 में जाएगा पंचायत विकास योजना। 50 नंबर देखिए, कुषाणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कुषाणों में भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कड़फिशिस ने चलाए थे, ये सही है। कनिष्क ने पेशावर में एक चित्ते का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो इसमें जाएगा 3 नंबर, 1 व 2। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, प्रतिहार, अंतापुर का रक्षक, महासंधि विग्रह, ये विदेश मंत्री, महाअक्ष पटलिक, इसमें जाएगा आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी होता है वह कुमारापाते, ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? 2, 1, 4 और 3, इधर मिलाइए 2, 1, 4, 3, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? कौन सी नई सौर ऊर्जा नीति? तो ये हो जाएगा 2019 में। ठीक है, कब? 2019। 53 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या रखने वाले जिले हैं? तो 53 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और करौली, 4 नंबर। 54 नंबर है, राजस्थान में ग्रामीण और शहरी महिला साक्षरता दर हैं? तो यहाँ पर जाएगा 45.8 व 70.9%, 1 नंबर। 55 नंबर देखिए, फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा कहाँ लिथियम के भंडार खोजे गए थे? किसके? लिथियम के। तो 55 में क्या जाएगा राइट आंसर? जम्मू कश्मीर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, तो कौन सा यहाँ पर सम्मिलित है? देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, तो ये हो जाएगा एंजेला मर्केल। 32वां GD बिड़ला पुरस्कार, ये नीलेश बी मेहता। और अगला देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023, तो ये प्रोफेसर जगदीश चेनोपति। कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार 2023, जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 4, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 1, 2, 3, तो यहाँ पर हो गया 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि यदि 2 अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? ठीक है, तो 57 में क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल्यूटिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 के साथ में सम्मिलित युद्धाभ्यास और शामिल देश।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दुस्तलिक इसमें क्या हो जाएगा, भारत व उज्बेकिस्तान, ठीक है, और धर्म गार्जियन जो भारत व जापान है, वरुण, वरुण में जाएगा यहाँ पर भारत व फ्रांस, और साइक्लोन, साइक्लोन में भारत व मिस्र। तो 58 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1, 3। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह, रक्त समूह, तो यहाँ पर ए बी प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तथा ओ माइनस वाले व्यक्ति को क्रमशः सार्वत्रिक, ग्राही तथा सर्वदाता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। 60 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह में क्रमशः प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोई भी प्रतिजन नहीं और ए व बी प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 61 नंबर, ये क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा उसका जो खर्च है 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये तो आप ही सॉल्यूशन कर लेना, इसका 60% उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कितना 60%। 62 नंबर क्वेश्चन है, ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात है 5:3, यदि वह प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है तो बी की आय क्या होगी, तो 62 में यहाँ पर 4,000 रुपये, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगिक असमानता सूचकांक के 3 आयामों में सम्मिलित आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा प्रति व्यक्ति आय 4 नंबर। 64 नंबर देखिए, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 64 में जाएगा 134वां स्थान। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर देखिए सभी कथन सही है, ठीक है, यह सूचकांक SDSN द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट में भारत का 126वां रहा है स्थान, और रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे खुश तथा अफगानिस्तान सबसे नाखुश राष्ट्र है, और डी है कि भारत का 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल 117-128 रहा, ठीक है, ए बी सी डी, तो 4 हो जाएगा इसमें, सभी सही है। अगले क्वेश्चन देखिए, विजयनगरकालीन स्थापत्य कला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर देखिए कथन देखिए, विजयनगर में मंदिर स्थापत्य प्रविधा शैली में बने हैं, तो ये कथन सही है। अमान मंडप कल्याण मंडप प्रविधा शैली की प्रमुख विशेषता है, ये भी सही है। हम्पी के हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, तो इसमें जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो 67 के अंदर यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर मुरसीद सूफी शिष्य, तो ये इसके अंदर सही सम्मिलित नहीं है। तीसरा देखिए, वल्ली है सूफी संत का अधिकारी, महापूजात ये सूफी संतों के विचारों का संकलन, और मकतूबात सूफी संतों के पत्रों का संकलन, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। 68 नंबर देखिए, असम्मिलित की पहचान कीजिए, एक तरफ पर राज्यपाल एक तरफ पर मुख्यमंत्री, तो इसमें कौन सा असम्मिलित है, देखिए सरदार हुकम सिंह जब राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां, देव प्रसाद चट्टोपाध्याय के समय ये भैरव सिंह शेखावत थे, और निर्मल चंद्र जैन के समय थे अशोक गहलोत, इसमें प्रभा राव वसुंधरा राजे, तो ये इसमें क्या है असम्मिलित है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद हेतु निम्न में से किसने कहा कि पद नहीं वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना स्वीकार करता है, तो 69 में जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। 70 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर असत्य है दूसरा कि राजस्थान का राज्यपाल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति होता है, नहीं होता है, इसमें शिवराज पाटिल राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यानी ठीक है केवल दूसरा, तो ये इसमें असत्य है राज्यपाल के संदर्भ में। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाले जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर सही अवरोही क्रम कौन सा है,
मौसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। 4 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत रखने वाला द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 18 जिलों का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व से कम है। राजस्थान के 400 से अधिक घनत्व वाले जिलों की संख्या 4 है और राजस्थान में 100 से कम घनत्व वाले केवल जो जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर हैं। तो सत्य कौन सा है यहाँ पर? देखिए दूसरा और तीसरा सत्य है, ठीक है। दूसरा तो है इसमें कि राजस्थान के 400 से अधिक घनत्व वाले जिलों की संख्या 4 है, सही है। राजस्थान में 100 से कम घनत्व वाले जिले हैं केवल जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हैं। तो दूसरा और तीसरा कथन है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, ये सही है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था धर्मिकला जयपुर में। कहाँ पर? धर्मिकला जयपुर में। 75 नंबर हैं, जन जल अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं विचार। देखिए इसका शुभारंभ आबू रोड सिरोही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, सही बात है। इसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था 2023 तक वर्षा जल संग्रहण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे, ये भी सत्य हैं, यानी तीसरा इसमें सही है, एक व दो दोनों। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग ने जोधपुर में आयोजित हुए राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के सफल आयोजन हेतु किन देशों किन देशों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOU किया? तो 76 के अंदर है अमेरिका, रूस, UAE, ठीक है। 3 नंबर जाएगा 76 में। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, A, B व C एक व्यापारी व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपये का है तो ए का जो लाभांश है वो क्या होगा? तो इसको आप सॉल्यूशन करना, इसका जो राइट आंसर है वो 260 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय तथा 2021-22 की तुलना में आय में वृद्धि क्रमशः अनुमानित है कितनी? तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 86,134 रुपये और 6.94%। दूसरा क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र GSVA की वृद्धि दर अनुमानित है, तो यहाँ पर 6.32%। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करो विचार, देखिए राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 43.6% है, सही है। राजस्थान की पुरुष कार्य सहभागिता दर 50% से अधिक है, ये भी सही है। राजस्थान की महिला कार्य सहभागिता दर 40% से अधिक है, नहीं है। तो इसमें एक व दो दो, ठीक है। तो पहला कथन सत्य है, पहला ऑप्शन सत्य है, एक व दो। 81 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, समाहर्ता राजस्व का संग्रहकर्ता होता है, सन्नदाता जो है वो कोष का अध्यक्ष होता है और प्रास्ता ये राजकीय कागजों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। इसमें जो 3 नंबर है प्रदेष्टा सेना का संचालक, ये गलत है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सूची 1, सूची 2, स्थान और ऊर्जा। तो 82 में मिलान करना है, देखिए बीठड़ी ये पवन ऊर्जा के लिए है, नोख सौर ऊर्जा के लिए है, छबड़ा तापी ऊर्जा और पदमपुरा बायोमास, ठीक है। सभी से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसमें, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने प्रारंभ की थी? तो ये की थी सातवाहन। 84 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता है। तो 83 में जाएगा 23,487.46 मेगावाट। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कोयला खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो 85 में जाएगा दुनिया, 4 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, असंगत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पर असम
असंगत है। एयर इंडिया 2023 बेंगलुरु सही है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 नई दिल्ली इसमें गलत है। भारतीय चावल कांग्रेस 2023 कटक ओडिशा सही है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 मुंबई तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 87 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो करो विचार, तो इसमें देखिए इस सूचकांक में 90 के स्कोर के साथ डेनमार्क शीर्ष पर रहा, भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है, और यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें तीनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, न्यू स्टार्ट संधि का संबंध कौन से देशों से है? तो ये था रूस और अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 89, पति और पत्नी के रक्त समूह के परीक्षण के बाद चिकित्सक ने उन्हें एक से अधिक बच्चा नहीं रखने के लिए कहा, इस युग्म का रक्त समूह हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा RH माइनस मादा तथा RH प्लस नर, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था बर्नस्टीन ने, ठीक है। 3 नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा विलेय विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग है? तो 91 में हो जाएगा रेटिनोल रत्तौंदी रोग। 3 नंबर 92, कंप्यूटर कर्मचारी राकेश को प्रमोशन मिला, इसका उसकी सैलरी में 26.3% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसके वेतन से 1900 रुपये कम कर दिए गए। राकेश को एक परियोजना के लिए जयपुर स्थानांतरित किया गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.1% बढ़ जाता है। अब उसका वर्तमान वेतन 17,100 रुपये है। तो राकेश की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए, तो इसको आप हल करके देख लेना, इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 13,500 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 93, 3 समान मात्रा के गिलास हैं जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 व 11:4 हैं। यदि इन तीनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो उस बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 61:29। क्वेश्चन नंबर 94, वैश्विक खुशहाली सूचकांक के कारकों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षा। 4 नंबर 95, निम्न में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रणेता हैं? तो 95 हो जाएगा रामानुजाचार्य। 1 नंबर 96, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया गया? तो ये 16 अगस्त 1949 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करके सही कूट का चयन करना है। देखिए इमारत और शासक, तो मिलाते हैं इनको। देखिए संभल की जमा जो मस्जिद है वो बाबर, हुमायूं का मकबरा ये अकबर, और एतादुल्ला का जो मकबरा है ये जहांगीर, और बीबी का मकबरा औरंगजेब। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संविधान में आयोगों के सदस्यों की संख्या 2 निर्धारित की गई है, गलत है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, तो ये भी क्या है, इसमें असत्य है, यानी पहला और दूसरा दोनों ही केस में असत्य हैं 98 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या 90% से अधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्न में से किस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कूट दिया हुआ है, तो इसके अंदर रहेगा कि वह दिवालिया घोषित हो जाए और पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य के बाहर स्वैतनिक नियोजन में लगा हो, या फिर वह मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो, तब ठीक है, तब उसको क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पद से।
तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक तो वह दिवालिया घोषित हो जाए या फिर पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य के बाहर स्वैतनिक नियोजन में लगा हो या फिर वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो अक्षम हो तब जाके। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम व अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो 101 में क्या हो जाएगा गंगानगर व बाड़मेर। 102 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान शहरी क्षेत्र बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह था। तो इसमें हो जाएगा 874। क्वेश्चन नंबर 103 है राजस्थान से गुजरने वाले कौन से एक्सप्रेसवे के किनारे 11 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाने प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पर जाएगा अमृतसर बठिंडा जामनगर। 104 वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मूकाभिनय कलाकार विलास जाह्नवी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। तो 104 में जाएगा उदयपुर जिले से। 105 नंबर देखिए राजस्थान डेल्फिक खेल 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 है ठीक है केवल तीसरा कि ऐसे खेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। तो 105 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 106 एक नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 92,410 है तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। तो हल कर लेना इसका हो जाएगा 80,000। 107 नंबर है राजस्थान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण शहरी व संयुक्त CPI RU के लिए आधार वर्ष हैं। तो यहाँ पर 2012। 108 नंबर देखिए स्थिर कीमतों पर राजस्थान के GSVA में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के दृष्टिकोण से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 2011-12 की तुलना में 2022-23 में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान बढ़ा है नहीं बढ़ा ये गलत है। 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.76% है और 2011-12 की तुलना में 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत योगदान घटा है बढ़ा नहीं है क्या हुआ घटा है। और 2022-23 में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 43.74% रहा तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 109 राजस्थान को सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो 109 में क्या हो जाएगा 26.63%। 110 आजीवक संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस संप्रदाय के प्रवर्तक मखली पुत्र गोसाल थे। इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समस्त प्राणी नियति भाग्य के अधीन थे कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं यानी दोनों कथन क्या सही है। 111 अशोक के वृहत शिलालेखों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दी हुई है इधर है शिलालेख इधर है स्थान तो कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला है। ठीक है शाहबाजगढ़ी तो ये पाकिस्तान से मिला है कालसी उत्तराखंड से मिला था धोली उड़ीसा और एरागुडी जो है आंध्र प्रदेश यानी सभी सत्य हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर दूसरा। 112 राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा स्रोत की अधिष्ठापित क्षमता सबसे कम है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बायोमास की। 113 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में किन जिलों से गुजरेगा। तो 113 में क्या हो जाएगा बीकानेर नागौर अजमेर और चित्तौड़गढ़। 114 मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली बिल योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत बिल में लाभार्थी को कितनी यूनिट तक प्रति माह निःशुल्क मिलेगी। तो ये 100 यूनिट फ्री मिलेगी आपको। 115 निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है क्या नहीं किया गया पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित नहीं किया गया। तो ये कुमार मंगलम बिरला को नहीं किया गया था। देखिए बालकृष्ण दोषी दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव को किया गया था। 116 कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग की विजेता रही। तो यहाँ पर कौन थी आर्यन स्वालेंका। 117 तुर्की व सीरिया में आए भूकंप के बाद बचाव व राहत कार्य हेतु भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो यहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त 2 नंबर। 118
माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, किसका? लोह तत्व का। 119। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का है ओ, तो बताइए उनके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उसका हो सकता है ओ पॉजिटिव। 120। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण के आधार पर क्या जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर, ठीक है। 121 नंबर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20 वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी कितनी? तो यहाँ पर हो जाएगी 2700, ठीक है, हल कर लेना आप। 122। एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 3, 4, 10 में थी। थैली में कुल 240 रुपये हैं, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, कैसे करोगे वो कर लेना आप। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 160। 123 नंबर है। निम्न में से कौन सा चित्रकार जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं था? तो 123 में ये था दसवंत, ये नहीं था। 124। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु हैं, तो इसमें जाएगा संगीत गायन के रागों का संकलन। 125। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित का चयन कीजिए, तो कौन सा असम्मिलित है? देखिए प्रथम अध्यक्ष थे ए के घोष, सर्वाधिक अवधि वाले अध्यक्ष ये था डी एस तिवारी और न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष बी एल रावत। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खतुरिया, तो ये गलत है, ठीक है, 3 नंबर। 126। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, कौन थे? तो ये थे एनएल जैन। 127। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करता है? तो ये करता है राज्य विधानमंडल। 128। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए निमला रायशिला लोहे के लिए है, मदन कुदान ये तांबे के लिए, रेवत की डूंगरी टंगस्टन के लिए, चौथ का बरवाड़ा, तो ये इसमें क्या गलत है, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा। 129। निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर बेरिलियम उत्पादन नहीं होता है? तो 129 में जाएगा देलवारा पेटी बांसवाड़ा से, ये नहीं होता यहाँ पर। 130। गलत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए डोलामाइट खनिज जो है ये बाजला काबरा एस्बेस्टोस खेरवाड़ा फ्लोस्पर्स मंडोगी पर उदयपुर, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 हैं ये वोलेस्टोनाइट ये मरकरेरा, तो ये इसमें गलत है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में राजस्थान ने किस टीम को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता, कौन सा स्वर्ण जीता था? तो ये सर्विसेज, 3 नंबर। 132 देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जाएगा जोधपुर। 133। असम्मिलित का चयन कीजिए, सम्मेलन कार्यक्रम और स्थान, तो यहाँ पर देखिए 118वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक, इसमें 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन नाडी फिजी, तो ये इसमें असम्मिलित है। देखिए 134 नंबर। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक लाता है, तब वह उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 29% अंक लाता है तथा वह 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो, तो ज्ञात कर लेना, इसका उत्तर जाएगा 800। 135। वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की GSDP में वृद्धि दर अनुमानित है, तो यहाँ पर जाएगा 11.36%। 136। राजस्थान की 2018-20 की मातृ मृत्यु दर MMR कितनी है? तो ये हो जाएगा 113। 137 नंबर है। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW के
लिए वर्तमान में चयनित के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अजमेर, यह इसमें नहीं है। 138, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 138 में, एक तो वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक और तीसरा विज्ञानवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 139 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा भी है। 140 देखिए, खनिज है और खान, तो सम्मिलित करना है। देखिए पायराइट ये सलादीपुरा है और जिप्सम हमीरवाली तांबड़ा, तांबड़ा कहाँ पर है, कुशलपुरा, और पन्ना काला गुमान, ठीक है, तीसरा जाएगा इसमें 2, 1, 3 और 4 140 में। 141, राजस्थान की नई खनन नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है, शून्य अपशिष्ट, अवैध खनन पर अंकुश, लागत सार्थकता, पारदर्शिता में वृद्धि, सभी है। 142, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही थी, तो ये रही थी उत्तराखंड की। 143 देखिए, बौद्ध संगीत यहाँ के बारे में, तो बौद्ध संगीति और इसके अध्यक्ष, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे पुराण महाकश्यप, दूसरी के थे सावकमीर, तृतीय के थे मोगली पुत्र तीस, और चौथे के थे वसुमित्र, ठीक है, इसमें जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर दूसरा। 155 नंबर देखिए, निम्न में से किसे जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का महासचिव बनाया गया था, तो 144 में क्या हो जाएगा, दूसरा विनय प्रकाश सिंह। 145 नंबर है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेंटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो यहाँ पर जाएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। 146, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं, निम्न से कौन जल में घुलनशील हैं, तो यहाँ पर जाएगा विटामिन बी एवं सी, 4 नंबर। 147, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व सकर्वी कस्ती बीमारी होगी यदि वह भोजन में नहीं ले रहा क्या, एक तो B1 D व C, विटामिन B1 D व C ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। 148 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो ये 148 में क्या जाएगा, लैक्टोज, 3 नंबर। 149, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ाई जाए तथा उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, 8% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। 150, 3 धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी व तीसरी का 3:4 है, इनमें पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका योग आप हल करना, इनका योग हो जाएगा 145, ठीक है, तो ये 150% है पूरे के पूरे आरएस परी, ठीक है, जो कलाम एकेडमी ने फर्स्ट पेपर करवाया है। ये था माइनर टेस्ट पेपर 1, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आप अगले पेपर देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी कलाम एकेडमी पेपर करवाती है सभी पेपर यहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, आंसर की सहित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, जो भी आर एस प्री की तैयारी कर रहा है उनके लिए आप जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।